Hello, students. Plus one maths. How are you? Let us discuss third example of chapter third. Find the radius of the circle in which a central angle of 360 degree of central angle 60 degree intercepts an arc of length 37.4 centimeter. पाई, हमें यहां पर रेडियस बताना है यानी थीटा हमें दे रखा है सिक्सटी डिग्री जबकि लेंथ थर्टी सेवन पॉइंट फोर है ठीक है लेंथ ऑफ़ थीटा जो वो हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला एल इक्वल आर थीटा तो इसमें हम थीटा जो लेते हैं वो रेडियन में लेते हैं इसलिए सिक्सटी डिग्री को हम पाई अपॉन वन से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी थ्री या वन एट्टी सो पाई अपॉन थ्री रेडियन अब हमें एल एल पता है थर्टी सेवन पॉइंट फोर है थीटा पाई अपॉन थ्री है जब नीचे रखेंगे थ्री अपॉन फाइव हो जाएगा इसको आप सिंपलीफाई करो पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन होती है थर्टी फाइव पॉइंट सेवन सेंटीमीटर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर फोर्थ द मिंट हैंड ऑफ ए बाच दिंट हैंड ऑफ ए बाच इन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग हाउ फार डिप मूव इन फोर्टी मिनट वेयर पाई यूज थ्री प्वाइंट वन फोर देखो सिक्सटी मिनट में एक मिंट हैंड पूरा सर्कल कर लेती है आप बाच को ध्यान से देखोगे मिंट हैंड एक पूरा सर्कल साठ मिनट में कवर कर देती है इसका मतलब वो साठ मिनट में थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री का एंगल बनाती है तो फोर्टी मिनट में बनाएगी टू पॉइंट थ्री ऑफ द रेवलेशन कह सकते हो या टू हंड्रेड फोर्टी डिग्री का एंगल बनाएगी यानी फोर्टी मिनट्स में जो मिनट हैंड है टू हंड्रेड फोर्टी डिग्री का यानी एक डिग्री मिनट में का एंगल बनता है तो चालीस मिनट में टू हंड्रेड फोर्टी टू हंड्रेड फोर्टी को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाईओप वन एट्टी से पाईओप वन एट्टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर पाई ओपन थ्री क्योंकि यहां पर हमें फॉर डिट टिप्स मूव इन मूव पूछे नी वहां से मूव कितना कर चुके नहीं, एल बताना है हमने तो एल बताने के लिए एल इक्वल होता है आर थीटा रेडियस दे है फोर पाई थ्री पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू पॉइंट सॉरी यहां पर थ्री पॉइंट वन फोर यूज करनी है सिंपलीफाई करो सिक्स पॉइंट टू एट सेंटीमीटर ठीक है स्टूडेंट्स नाउ लास्ट एग्जाम्पल है इफ द आर्क इफ द आग ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल एंगल सिक्सटी फाइव डिग्री एंड वन हंड्रेड्र वन हंड्रेन डिग्री एट द सेंटर फाइन द रेस ऑफ देर देखो आग ऑफ द सेम लेंथ दोनों की आग सेम है यानी एल मान ली दोनों की एल एल लेंथ है एंगल एक का 65 है एक का 110 है सबसे पहले एक है फर्स्ट एंगल को थीटा वन माना सिक्सटी को हमने पाई 180 से मल्टीप्लाई किया थर्टीन पाई अपॉन थर्टी सिक्स रेडियन फिर हमने सेकेंड एंगल को थीटा टू का नाम दिया वन हंड्रेड टेन डिग्री है इसको पाइवॉइट वन 180 से मल्टीप्लाई किया सिंपलीफाई करेंगे ट्वेंटी टू पाई अपॉन थर्टी सिक्स रेडियन क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है तो लेंथ होती है थीटा आर थीटा आर आर वन और आर टू माने फर्स्ट के लिए आर वन मान लिया सेकंड के लिए हमारे पास सेकेंड के लिए आर टू था तो थर्टीन पाई फर्स्ट का एंगल था अपॉन थर्टी सिक्स इन आर वन सेकेंड का एंगल था ट्वेंटी टू पाई अपॉन थर्टी सिक्स आर टू थर्टी सिक्स से थर्टी सिक्स कैंसिल हो जाता है पाई से दोनों साइड पाई कैंसिल हो जाता है हम क्या करते हैं आर वन अपॉन आर टू इक्वल ट्वेंटी टू बचाई इस साइड ट्वेंटी टू ये 13 नीचे आ गया तो ट्वेंटी टू अपॉन थर्टीन इसकी रिस हो जाएगी ठीक है स्टूडेंट्स नॉ स्टूडेंट्स discuss exercise 3.1 find the radian measures find the radian measures corresponding to the following degrees first 25 degree इसको हमने रेडियन में चेंज है. डिग्री में चेंज करने के लिए डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हमें उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है देखो 180 डिग्री पाई तो 1 पाई अपॉन वन एट्टी ट्वेंटी फाइव डिग्री इक्वल पाई अपॉन वन एट्टी इंटू ट्वेंटी फाइव सिंपलीफाई करो फाइव की टेबल पे ये कैंसिल हो जाता है तो फाइव 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 जा ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फाइव जा वन एट्टी तो फाइव पाई अपॉन थर्टी सिक्स रेडियन रेडियम को हम सी से भी डिनोट कर सकते हैं इसके बाद सेकेंड है माइनस फोर्टी सेवन डिग्री थर्टी मिनट सबसे पहले इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है क्योंकि आपको पता है एक डिग्री में सिक्सटी मिनट होते हैं तो थर्टी मिनट को हम सिक्सटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाफ डिग्री आ जाएगी यानी थर्टी सेवन एंड हाफ डिग्री अब हमें इसको मिक्सर नंबर को में चेंज कर देना है फोर्टी सेवन टू या नाइन्टी फोर प्लस वन नाइन्टी फाइव अपॉन टू डिग्री अब हमने क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में तो पाई अपॉन वन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा किंतु सिंप्लीफाई करके हमारे पास माइनस नाइनटी पॉइंट सेवेंटी टू पाई रेडियन आ जाएगा इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउ थर्ड पार्ट टू फोर्टी डिग्री वो नो दैट वन एट्टी डिग्री पाई रेडियन तो वन न एट्टी यानी हम सीधा कह सकते हैं डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन वन से मल्टीप्लाई करो ठीक है जीरो से जीरो कैंसल छ चुका चौबीस छह तीय अठारह यानी चार पाई अपॉन थ्री रेडियन फोर्थ फाइव हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री है अगेन पाई अपॉन वन एट्टी से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है फाइन द डिग्री मेजर्स कोरस्पॉग टू द फ्लो अब यहाँ पर हमें रेडियन दिया हुआ है इसको हमें डिग्री में चेंज करना है डिग्री में चेंज करने के लिए जैसे पहले आप पाईओप वन एट्टी से मल्टीप्लाई करते थे अब हम डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो वन एट्टी ओपन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे जो पहला देखो इलेवन ओपॉन्ट सिक्सटीन दिया है रेडियन है इसको 180 एट्टी यानी जिसमें चेंज करना है डिग्री में चेंज करना है डिग्री ऊपर आ जाती है रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर हम डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो 180 एट्टी अपॉन पाई से इसको मल्टीप्लाई करोगे और पाई की वैल्यू 22 टू 7 सेवन पुट करके सिंप्लीफाई करना ठीक है।, है जी अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं थर्टी नाइन थ्री अपॉन एट डिग्री आ गया अब थ्री अपॉन एट को क्या करेंगे सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर देंगे ये सारे मिनट बन गए इसके बाद इसको आठ से डिवाइड करो तो फिर आपके पास बच जाता है ट्वेंटी टू मिनट प्लस हाफ मिनट यानी नीचे मिनट दो बता है आप हाफ मिनट के लिए सिक्सटी से मल्टीप्लाई करो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एक मिनट में सिक्सटी सेकंड होते हैं नाउ नेक्स्ट माइनस फोर माइनस फोर को वन एट्टी अपॉन पाई से मल्टीप्लाई की करेंगे और उसके बाद पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन पुट करेंगे इस प्रकार हम सिंप्लीफाई करके ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं वन एट्टी अपॉन पाई जो भी आता है तो हम इस प्रकार देखो ये नेक्स्ट थर्ड था वन एट्टी अपॉन पाई से किया सिंप्लीफाई किया तो 300 डिग्री आ गया इसके बाद नेक्स्ट है पाई 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 इसको 180 से से किया तो गया तो टेन आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ए बील मेक्स 360 डिग्री में हाँ रिवोल्यूशन इन वन मिनट मतलब एक पे एक मिनट में 360 चक्कर पूरे कर लेता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन वन सेकेंड वन सेकेंड में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा देखो एक मिनट में तीन साठ चक्कर काट लेता है तो एक सेकंड में तीन सौ साठ अपॉन सिक्सटी यानी छ चक्कर काटेगा और एक चक्कर में दो पाई काट दो पाई यानी थ्री सिक्सटी डिग्री टू पाई होता है तो छ चक्कर में ट्वेल्व पाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है समझ आ गया ना स्टूडेंट्स मैक प्रिया अम... समझ आ गया तो नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वेश्चन फाइन द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस हंड्रेडी टू सेंटीमीटर आपको रेडियस दी है ट्वेंटी टू हमने डिग्री में बताना है क्यूँकी जो फॉर्मूला है याद रखो वो रेडियन में बताएगा फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल एल अपॉन आर एल की वेल्यू हमारे पास ट्वेंटी टू है और रेडियस हमारे पास हंड्रेड है वेल्यू चुट करो सिंप्लीफाई करो क्योंकि हमें डिग्री में है इसलिए वन एट्टी अपॉन पाई से जो आ जाता है उसको वन एट्टी अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे और पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन रखोगे सिंप्लीफाई करके आपके पास ट्वेल्व डिग्री थर्टी सिक्स सेकेंड आ जाता है तो प्लीज कंप्लीट दिस एक्सरसाइज थैंक यू स्टूडेंट्स जय भारत जय डीए